हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। मतलब मार्कर से हम कैसे सिलेक्शन करते हैं। और हमने पिछली क्लास में जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, पिछला लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स क्या हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। और आज का हमारा जो डिस्कशन होगा, जो हमारा टॉपिक है, मार्कर असिस्ट सिलेक्शन। तो आपका पिछला टॉपिक जो था बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड डीएनए मार्कर्स, तो डीएनए मार्कर जो है आज हम इस वाले लेक्चर में कवर करेंगे सभी डीएनए मार्कर्स। तो मार्कर ऐसे सिलेक्शन के साथ साथ हम इसमें आपको कवर कराएंगे कि डीएनए मार्कर्स और जो मार्कर्स के टाइप हैं वो क्या हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कि मार्कर होते क्या हैं। व्हाट इज मार्कर? एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग हेरिटेबल वेरिएशन। कोई भी प्रॉपर्टी हो और जो या कोई इंडिविजुअल शो करता है हेरिटेबल वेरिएशन, इट रेफर्ड टू एज कैरेक्टर आर ट्रेट। और जो शो करते हैं वो क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि लक्षण होते हैं या ट्रेट्स, यानी लक्षण होते हैं। इट इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। और ये इनमें जो इंक्लूड होता है, मतलब सम्मिलित होते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टर्स इन प्लांट्स। एंड प्लांट कैरेक्टर आर ऑफ टू टाइप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और जो प्लांट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं और क्वांटिटेटिव होते हैं। और दोज कैरेक्टर्स विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड आर रेफर्ड टू एज मार्कर कैरेक्टर्स। और जो कैरेक्टर बहुत ईजिली, मतलब सरलता से जिनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं मार्कर। तो मार्कर क्या होते हैं? जैसे जो हमारे बोर्ड लगे रहते हैं, आपने रोड पे देखा होगा ऐसे चिन्ह लगे रहते हैं, तो ये क्या एक मार्क ही तो है कि हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपको इधर जाना है, इस दिशा में जाना है। तो ऐसे ही क्या होते हैं जो मार्कर्स होते हैं वो बताते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको हम मार्क कर लेते हैं मार्कर सिलेक्शन में। एंड मार्कर इज ए ट्रेट विच इज टाइटली लिंक टू ए जीन। और जो मार्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रेट, लक्षण होते हैं, विच इज टाइटली लिंक टू ए जीन, और जो लिंक जीन के द्वारा, जीन के साथ जुड़े होते हैं। एंड हुज इनहेरिटेंस कुड बी इजिली डिटेक्टेड, और उनको हम इजिली डिटेक्ट कर लेते हैं। दीज मार्कर आर जनरली ऑफ थ्री टाइप्स, और वो तीन टाइप के होते हैं मार्कर, जैसे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, बायोकेमिकल और डीएनए मार्कर। तो आपका जो पिछला टॉपिक था कि बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड, और उसके बाद डैश था कि डीएनए मार्कर, तो डीएनए मार्कर वाला आज हम ये इसमें कवर कर लेंगे। तो द मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स आर, तो पहले जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स क्या हैं? मार्कर्स आर रिलेटेड टू शेप, साइज, कलर एंड सरफेस। तो जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं वो रिलेटेड किससे होते हैं? शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, किसी भी प्लांट्स का, ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स का, तो हम उनको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, जिससे रिलेटेड होते हैं ये। बायोकेमिकल मार्कर्स क्या होते हैं? आल्सो कॉल्ड प्रोटीन मार्कर्स आर आइसोजाइम। जो प्रोटीनियस मार्कर्स होते हैं या आइसोजाइम्स होते हैं उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल मार्कर, जो प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं। और मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं? ऑन अदर हैंड आर रिलेटेड टू द डीएनए फ्रैगमेंट्स। जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स है, डीएनए मार्कर्स होते हैं, वो किससे रिलेटेड होती हैं? डीएनए फ्रैगमेंट्स से, मतलब डीएनए के हिस्से से रिलेटेड, संबंधित होते हैं। जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये हमने अब आपको कल भी बताया था क्लास में कि ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर कैची होते हैं, जिससे डीएनए को हम हिस्सों में, कई हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं, और डीएनए मार्कर, मॉलिक्यूलर मार्कर और डीएनए मार्कर्स, इनको हम कहते हैं। फिर आता है डीएनए मार्कर्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर मार्कर, दोनों की बात एक ही है, चाहे हम डीएनए मार्कर कह लें या मॉलिक्यूलर मार्कर। तो ये मॉलिक्यूलर मार्कर इज ए डीएनए सीक्वेंस। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं? डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, एंड दैट इज रेडाइली डिटेक्टेड एंड हुज इनहेरिटेंस कैन ईजली बी मॉनिटर्ड। और ये ईजली डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब इनको हम खोज सकते हैं ईजली, और इनहेरिटेंस कैन ईजली बी मॉनिटर्ड, और इनका जो इनहेरिटेंस होती है उसको हम ईजली मॉनिटर्ड कर सकते हैं। एंड द यूज ऑफ मॉलिकुलर मार्कर इज बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग डी एन ए पॉलीमॉर्फिज्म।
जो डीएनए होता है, जो नेचुरली डीएनए होता है उसके बेस्ड पे हम इनको मतलब यूज करते हैं, एंड विच फॉर्म ऑफ द बेसिस फॉर डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज एक्सप्लॉइट फॉर अप्लाइड पर्पस। तो जो डीएनए मार्कर होते हैं उनको हम, या जो मॉलिकुलर मार्कर होते हैं वो डीएनए बेस्ड मार्कर होते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट पे, और वो किससे बनाए जाते हैं, मॉलिकुलर सीजर द्वारा या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा। और जो प्रॉपर्टीज हैं, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं मॉलिकुलर मार्कर की, वो क्या हैं, इट मस्ट बी पॉलीमॉर्फिक एज इट इज द पॉलीमॉर्फिज्म दैट मेजर्ड फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटीज स्टडीज। ये पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं और इनसे मेजर करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस, और ये कैसे होते हैं, कोडोमिनेंट होते हैं इनहेरिटेंस, इनकी जो इनहेरिटेंस होती है वो कोडोमिनेंट होती है, इनका नेचर क्या होता है, कोडोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट नहीं होते हैं। एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए मार्कर शुड बी डिटेक्टेबल इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है मॉलिकुलर मार्कर्स की, वो क्या होती हैं, डिटेक्टेबल होती हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। तो हमने जो पॉलीप्लॉयडी की क्लास ली थी उसमें सब बता रखा है कि हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड क्या होते हैं। टू अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ होमो एंड हिट्रोजाइगोट्स, एंड ए मार्कर शुड बी इवनली एंड फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम्स। जो मार्कर्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसके द्वारा, थ्रू द जीनोम। जीनोम क्या होता है, ए कम्प्लीट सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जीनोम। तो जीनोम हमारा हो गया, तो ये जीनोम के द्वारा फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इट शुड बी इजी, फास्ट एंड चीप टू डिटेक्ट। और जो मॉलिकुलर मार्कर होते हैं वो इजी होते हैं, मतलब सरल होते हैं और फास्ट एंड चीप टू डिटेक्ट, और उनके द्वारा हम कोई भी मार्कर्स है उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और फास्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, और ये रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिकुलर मार्कर्स, तो इसके बाद हमारा आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिकुलर मार्कर्स आर डीएनए मार्कर्स, और डीएनए मार्कर्स के क्लासिफिकेशन दो टाइप के होते हैं कि पीसीआर बेस्ड और नॉन पीसीआर बेस्ड। जो मार्कर होते हैं जब हम उनको यूज करते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं कि नंबर एक पीसीआर बेस्ड और नॉन पीसीआर बेस्ड। तो नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर है वो पहला मार्कर है जो फर्स्ट मार्कर डेवलप किया गया था, आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, फ्रैगमेंट डीएनए का हो गया, लेंथ हो गई इसकी, और पॉलीमॉर्फिज्म इसका नेचर हो गया। तो ये किसके द्वारा फ्रैगमेंट बनाया गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा फ्रैगमेंट जो बनाए जाते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होगी आरएफएलपी की, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और ये फर्स्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया, 1980 में बोस्टैन के द्वारा डेवलप किया गया था। इट इज द फर्स्ट मॉलिकुलर मार्कर, ये क्या है, पहला मॉलिकुलर मार्कर है। और इसके जो मेन फीचर हैं, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर जेनेटिक मैपिंग, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसके लिए, जब जेनेटिक मैपिंग हम करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर जर्म प्लाज्म करेक्टराइजेशन, जो हमारे जीव द्रव्य होते हैं, जर्म प्लाज्म होते हैं, उनको करेक्टराइज, मतलब उनके लक्षणों को ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। और ये कोडोमिनेंट होता है नेचर, इसका जो नेचर होता है वो कोडोमिनेंट होता है। और इट इज इफेक्टिवली यूज फॉर मार्कर एसिड सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग, और ये इफेक्टिव होता है मार्कर एसिड सिलेक्शन में, किसमें, प्लांट ब्रीडिंग में। फिर आता है हमारा नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर, तो आरएपीडी मार्कर, ये क्या है, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इसके जो इसमें क्या होता है कि जो रैंडमली जो होता है एम्पलीफाइड, जो डीएनए के फ्रैगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, रैंडमली एम्पलीफाइड किए हुए पॉलीमॉर्फिक डीएनए होते हैं। और आरएपीडी बेस्ड ऑन एम्पलीफिकेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, जो जीनोम का जो जीनोमिक डीएनए होता है उसका एम्पलीफिकेशन कराया जाता है, उसके आधार पर ये क्या होते हैं आरएपीडी, जो रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक जो मार्कर होता है वो किसके आधार पे होता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए विद सिंगल प्राइमर ऑफ एरिवेटरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और वो सिंगल प्राइमर्स के आधार पे होता है। और प्राइमर्स क्या होते हैं, ये डीएनए जो ये क्या होते हैं, जो बेस होते हैं डीएनए के, ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, और ये किसके द्वारा, जो डिजाइन किए जाते हैं, जैसे ये सेगमेंट हो गया कि इसमें सिंगल प्राइम, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, जैसे ए
टी जी टी ए, तो ये प्राइमर हमारा हो गया, स्मॉल फ्रैगमेंट हो गया डीएनए का। ये क्या होता है, प्री डिजाइंड होते हैं, ये जो प्राइमर्स होते हैं ये प्री डिजाइंड होते हैं, तो इन्हें हम यूज करते हैं प्राइमर्स को। और एडवांटेजेस क्या है इसके, नीड फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, इसमें बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है डीएनए की। और इट प्रोवाइड्स क्विक एंड इफ़िशियंट स्क्रीनिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, जब हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं तो ये मतलब प्रोवाइड कराता है क्विक एंड इफ़िशियंट स्क्रीनिंग, बहुत ही इफ़ेक्टिव स्क्रीनिंग इससे हम कर सकते हैं डीएनए की सीक्वेंसिंग में, बेस्ड ऑन पॉलीमॉर्फिज्म एट मैनी लोसाई। एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन स्टेप्स, और इसमें हमें कोई भी ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन स्टेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमारी पहली बात हो गई आरएपीडी मार्कर्स की। फिर आता है हमारा एम्पलीफाइड एएफएलपी, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जितने भी डीएनए के मार्कर्स हैं या मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं वो इस पर आधारित हैं, जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो ये भी है कि एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ, इसमें क्या होता है एम्पलीफाइड होता है फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए लेंथ, फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज ए हाईली सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू आउट द जीनोम, ये बहुत ही सेंसिटिव मेथड है मार्कर्स का। एंड इट इज एसेंशियली ये कॉम्बिनेशन ऑफ आरएफएलपी एंड आरएपीडी मेथड, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो एएफएलपी मार्कर है ये दोनों मार्कर्स का कॉम्बिनेशन है, किसका, आरएफएलपी और आरएपीडी मेथड्स का। तो ये इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट इज़ हाईली रिप्रोड्यूसिबिलिटी रेंडरिंग इट सुपीरियर टू आरएपीडी, और ये क्या होता है हाईली रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है, रिप्रोड्यूसिबल होता है और सुपीरियर होता है आरएपीडी से। एंड इट इज इट डिस्क्रिमिनेट्स हेटरोजाइगोट्स फ्रॉम होमोजाइगोट्स वेन ए जेल स्कैनर इज यूज, और ये डिस्क्रिमिनेट होता है हेटरोजाइगोट्स में फ्रॉम होमोजाइगोट्स से, होमोजाइगोट्स होते हैं और उससे डिस्क्रिमिनेट हो जाता है किसमें, हेटरोजाइगोट्स में वेन ए जेल, जब हम जेल रन कराते हैं, जब पीसीआर के बाद क्या प्रोसेस होती है उसमें सैंपल लोड करते हैं जेल में, तो वो जेल स्कैनिंग कहलाती, जेल स्कैनिंग होती है। तो इट इज़ नॉट ओनली ए सिंपल फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक, और ये केवल एक सिंपल फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक नहीं है, वट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मैकिंग, बट हम इसे यूज कर सकते हैं किसके लिए, मैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर मोर डीएनए, इसमें अधिक डीएनए चाहिए होता है और मोर एक्सपेंसिव होता है, मतलब खर्चा ज़्यादा होता है इसमें, नीडेड इन आरएपीडी, जो आरएपीडी मार्कर्स हमारा होता है इसमें मोर एक्सपेंसिव होता है और अधिक डीएनए चाहिए होता है। एंड इट इज़ टेक्निकली मोर डिमांडिंग देन आरएपीडी, बट और इसमें क्या है, ये टेक्निकली मोर डिमांडिंग है, इसमें जो टेक्निकली होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं वो अधिक चाहिए होती हैं किससे, आरएपीडी से, एज इट इज़ रिक्वायर एक्सपीरियंस ऑफ सिक्वेंसिंग जेल्स। फिर आता है हमारा मार्कर एसिड सिलेक्शन, कि मार्कर एसिड सिलेक्शन क्या है। तो मार्कर एसिड सिलेक्शन इज द ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज, ये क्या है, एक ब्रीडिंग की स्ट्रेटजीज है, इन विच सिलेक्शन फॉर ए जीन इज बेस्ड ऑन मॉलिकुलर मार्कर्स, और हम सिलेक्शन करते हैं किसके आधार पे, बेस्ड ऑन मॉलिकुलर मार्कर के आधार पर हम सिलेक्शन करते हैं, क्लोजली लिंक्ड टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जो किससे करते हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो क्लोजली लिंक्ड होता है, रेदर देन द जीन इट्सेल्फ, जो जीन के साथ होता है क्लोजली लिंक्ड होता है। मार्कर एसिड सिलेक्शन रिफर्स टू इनडायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ ए डिजायरेबल प्लांट फिनोटाइप, और ये क्या है, एक इनडायरेक्टली मेथड है सिलेक्शन फॉर ए डिजायरेबल प्लांट की फिनोटाइप से, बेस्ड ऑन द बाइंडिंग पैटर्न ऑफ लिंक्ड मॉलिकुलर मार्कर्स, जो मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं उनके बाइंडिंग पैटर्न हम देखते हैं, क्योंकि जब हम जेल रन कराते हैं तो जो हमारा ये जेल डॉग होता है तो इसमें क्या होते हैं, ये कॉप बने होते हैं होल्स, तो इनमें हम जब सैंपल लोड करा देते हैं और इसके बाद इसमें ऐसे बैंड बन जाते हैं ऐसे किसी में कहीं पर वो अकॉर्डिंग टू साइज के, तो ये किस पे आधारित होगा, तो ये हमारा बाइंडिंग पैटर्न के आधार पर होता है। नेक्स्ट आता है मेन फीचर्स ऑफ मार्कर एसिड सिलेक्शन,
एप्लीकेशन हो गया इसकी, और हाई एक्यूरेसी होती है, रैपिड मेथड होता है जो मार्कर से सिलेक्शन होता है, इससे हम जल्दी सिलेक्शन कर सकते हैं। और फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इस पर कोई भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग की बात करें तो उसमें इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। और परमिट्स जीन पैरामिडिंग, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जीन की पैरामिडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे रोगों के लिए एक ही प्लांट में जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो जीन पैरामिडिंग होता है। रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी, इसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड अच्छी लैब चाहिए होती हैं। और हेल्थ हजार्डस, फिर आता है हमारा कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, ये है जो आपको समझाने के लिए कि कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, हमने कोई P1 लिया और P2 लिया, ये क्या है, रेसिपिएंट पेरेंट और डोनर पेरेंट, और इससे हमने ट्रांसफ़र कराया जीन F1 में, F1 के बाद F2, लार्ज पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, और बहुत सी पॉपुलेशन मिली और उसमें थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, हज़ार के अबव प्लांट्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये F2 प्लोजनी ग्रो की, इसके बाद फिनोटिपिक सिलेक्शन किया। फिनोटिपिक सिलेक्शन करने में हमने किया सेलिनिटी स्क्रीनिंग ऑफ फिनोटाइप की, बैक्टीरियल ब्लाइट स्क्रीनिंग की, और फास्फोरस डिफिशेंसी प्लॉट्स में हमने कर ली। तो इससे ग्रीन हाउस ट्रायल लगाए हमने और फील्ड ट्रायल्स लगाए। तो ये हम सारी प्रक्रियाएं करते हैं हम किसमें, कन्वेंशनल ब्रीडिंग में। तो प्रोसीजर ऑफ मार्कर एसिड सिलेक्शन, प्रोसीजर में क्या है, तो सबसे पहले हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, RFLP मार्कर आर वाइडली यूज फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है RFLP मार्कर किसके लिए, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्रॉप प्लांट्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है RFLP मार्कर का। और इसके जो द मार्कर एडिट सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, इसमें 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सबसे पहले हमें करना है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का। फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम ईच प्लांट्स, फिर हम DNA का आइसोलेशन करेंगे। फिर स्क्रीनिंग ऑफ RFLPs, स्क्रीनिंग करेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एंड पॉलीमॉर्फिज्म की। फिर कोरिलेशन विद पॉलीमॉर्फ विद मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, फिर कोरिलेशन देखेंगे किसका, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स का। तो ये हम आगे फिर डिस्कस कर रहे हैं ये सभी कैरेक्टर्स। और ये है ओवरव्यू ऑफ मार्कर जीनोटाइप्स, इसके बाद हम सभी डिस्कस करेंगे स्टेप्स। तो पहला है क्या, लीफ टिश्यू सैम्पलिंग ली और DNA हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद PCR रन कराया। ये PCR होता है जिसमें हम सैंपल का DNA लेन एक्सट्रैक्शन करने के बाद अपनी सैंपल ट्यूब जो हम बनाते हैं और उसको PCR में रन करते हैं। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है। और इसके बाद मार्कर एनालिसिस, यहाँ पे देखो ये वाइंडिंग पैटर्न आते हैं, जो वाइंड आते हैं ये देखो दिख रहे हैं, ये वाइंड, ये सफ़ेद वाइट जो दिख रहा है ना, ये बैंड आ गए हमारे। तो ये मार्कर ओवरव्यू, मार्कर जो जीनोटाइपिंग हम करते हैं मार्कर द्वारा वो है एक। तो मार्कर एसिड सिलेक्शन या मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग में क्या करते हैं, तो मार्कर द्वारा ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे एकदम 100% रिजल्ट मिलता है। कोई भी जीन हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वही होता है, अनडिजायरेबल जीन नहीं होता है, क्योंकि हम उसको कट कर देते हैं। जैसे P1 और P2 हमने पेरेंट लिए, ये ससेप्टिबल है, ये रेसिस्टेंट वैरायटी है। F1 क्रॉस कराया दोनों का, F1 आ गया। फिर F2 में लार्ज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लांट, बहुत से प्लांट्स हैं और उसमें कम से कम हज़ारों प्लांट हमने जो है यहाँ पे लगाए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका DNA निकालेंगे जैसे हमने बताया था पीछे। तो उसके बाद हमने जेल रन कराया, तो जो हमारे यहाँ पे देखो ये जो जीन है हमारे वो क्या है, रेसिस्टेंट जीन है ये, तो इनको हम छोड़ देंगे। बाकी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कट कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे, तो बाकी हम कट करते। तो मार्कर ऐसे सिलेक्शन में कोई भी अनडिजायरेबल जीन नहीं जाता, बस डिजायरेबल जीन ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो मार्कर एसिड सिलेक्शन, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो मार्क हमने किए हैं जीन, यहाँ पे जो जीन मार्क किए हैं तो किसके आधार पे, बाइंडिंग पैटर्न के आधार पे, तो उनको हम मार्क कर लेते हैं और हमारा ये मार्कर एसिड सिलेक्शन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी अनडिजायरेबल जीन ट्रांसफ़र नहीं होता है, बस डिजायरेबल जीन ट्रांसफ़र होता है जो हम चाहते हैं। तो इसके प्रोसीजर में था पहला सिलेक्शन वाई पेरेंट्स, द पेरेंट्स शुड बी सच सो सेट कैन गेट यूजेबल लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वेरिएशन हो इन द RFLP मार्कर। जो भी हम पेरेंट्स यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए,
पॉलीमार्फिजम मीन्स वेरिएशन होना चाहिए उसमें जो हम आरएफएलपी मार्कर में यूज कर रहे हैं। एंड दिस विल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड आल्सो देयर सेगमेंट इन एफ टू जनरेशन इन द वेरियस रिकॉम्बिनेशन। जो भी डिफरेंट वेरियस बहुत सारे रिकॉम्बिनेशन बनेंगे एफ टू पॉपुलेशन में, तो वो कैसा होना चाहिए कि उसके वो हेल्पफुल होना चाहिए इसमें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, और उसके डीएनए को हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स वी हैव टू स्क्रीन जर्म प्लाज्म एंड सिलेक्ट पेरेंट विद डिस्टिनक्ट डीएनए, और हम जो सिलेक्शन करेंगे पेरेंट का वी हैव टू स्क्रीन जर्म प्लाज्म एंड सिलेक्ट पेरेंट विद डिस्टिनक्ट जीनोम। तो जो उनका जो जीनोम हो वो क्या हो, डीएनए हो वो कैसा हो, डिस्टिनक्ट मतलब अलग अलग डीएनए हो जो हम जर्म प्लाज्म सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड द पेरेंट्स दैट आर यूज फॉर मार्कर ऐसे सिलेक्शन शुड बी प्योर होमोजाइगस, और वो कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए मतलब होमोजाइगस होना चाहिए जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं मार्कर से सिलेक्शन के लिए पेरेंट्स का। एंड इन सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज, और जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज होती हैं उसमें प्लांट्स आर यूजुअली होमोजाइगस। एंड इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज इनब्रीड लाइन्स आर यूज एज ए पेरेंट, और जो क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं लाइन्स उसमें हम इनब्रीड क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज होती हैं उनमें से हम क्या करेंगे, उनकी जो इनब्रीड लाइन्स होती हैं उनको यूज करेंगे हम किसमें, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में हम उसको यूज करेंगे इनब्रीड लाइन जो क्रॉस पॉलिनेटेड लाइन्स होती हैं। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, कि ब्रीडिंग पॉपुलेशन का हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। द सिलेक्टेड पेरेंट आर क्रॉस्ड एंड टू ऑब्टेन F1, तो सबसे पहले हम जो पेरेंट्स हैं उनके क्रॉस करा के हम क्या करेंगे F1 प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, और F1 प्लांट बिटवीन टू प्योर लाइंस आर इनब्रीड लाइंस आर होमोजाइगस व्हाट आर हेटरोजाइगस फॉर ऑल द RFLPs टू पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द F1, क्योंकि जो हमने इनब्रीड लाइंस या जो भी प्योर लाइंस डेवलप की हैं तो जो F1 प्रोजिनी होगी वो होमोजाइगस बट आर हेटरोजाइगस, वो बाद में क्या होंगी हेटरोजाइगस होंगी फॉर ऑल द RFLPs ऑफ टू पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द F1, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं पेरेंट जो क्रॉसिंग में, तो वो क्या हो जाएंगी हेटरोजाइगस हो जाएंगी। एंड द F2 प्रोजिनी इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ RFLPs, तो F2 प्रोजिनी जो होती है उसमें रिक्वायर हो जाता है कि फॉर द स्टडी ऑफ सेग्रीगेटिंग पेरेंट ऑफ RFLPs, क्योंकि F2 में क्या आ जाता है सेग्रीगेशन आ जाता है मतलब वेरिएशन आ जाता है। जनरली 50 to 100 F2 प्लांट आर सफिशियंट फॉर द स्टडी ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ RFLP मार्कर, और F2 पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं 50 to 100 प्लांट ही लेते हैं वो सफिशियंट हो जाते हैं हमारे स्टडी के लिए, सेग्रीगेशन स्टडी करने के लिए इन RFLP मार्कर्स। आइसोलेशन ऑफ DNA, उसके बाद हम क्या करते हैं जो प्लांट्स होते हैं हमारे उनका सभी का DNA आइसोलेट कर लेते हैं फॉर द सैम्पलिंग। दिस मेन एडवांटेज ऑफ मास इज दैट DNA कैन बी आइसोलेटेड इवन फ्रॉम द सीडलिंग एंड वी नीड नॉट वी वेट फॉर फ्लावरिंग सीड डेवलपमेंट स्टेज, और जो मार्कर एसिड सिलेक्शन होता है उसमें हम सीडलिंग स्टेज में ही क्या कर लेते हैं उनका DNA आइसोलेट कर लेते हैं, उसमें हमें ज़रूरत नहीं होती कि पूरी मतलब जहाँ तक उनकी क्रॉप ड्यूरेशन है कि फ्लावरिंग स्टेज तक उसका इंतजार करें, तो ये हमारा समय बच जाता है। एंड द DNA आइसोलेटेड फ्राम ईच प्लांट ऑफ F2 पॉपुलेशन, जो हमने F2 पॉपुलेशन में जो प्लांट सिलेक्ट किए उनमें सभी प्लांट का DNA आइसोलेट कर लेते हैं, तो हमारा तीसरा स्टेप है कि आइसोलेशन ऑफ DNA। फिर आता है स्कोरिंग ऑफ RFLPs, तो स्कोरिंग ऑफ RFLPs में क्या है द पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन इन RFLP बिटवीन द पेरेंट एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन द रिकॉम्बिनेशन इन F2 पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग DNA प्रोब्स, ये डिटरमाइन हम करते हैं DNA प्रोब्स द्वारा कि F2 पॉपुलेशन में जो रिकॉम्बिनेशन बने थे और RFLP जो मार्कर से बिटवीन द पेरेंट जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे पेरेंट तो उनमें क्या डिफरेंस है। एंड द लेवल प्रोब्स आर यूज टू फाइंड द फ्रैगमेंट हैविंग सिमिलैरिटी एंड द प्रोब विल हाइब्रिडाइज ओनली विद दोज सेगमेंट विच आर कम्प्लीमेंट्री इन नेचर, एंड जनरली 32P इज यूज फॉर द रेडियो एक्टिव लेवलिंग ऑफ DNA प्रोब्स, एंड इन दिस वे RFLP आर डिटरमाइंड, और इसी वे में हम RFLP को डिटरमाइन कर लेते हैं।
इसके बाद आता है कोरिलेशन विद मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स। कोरिलेशन हम देखें मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स का, द प्लांट सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर मार्कर, जो हमने मॉलिकुलर मार्कर की हेल्प से प्लांट सिलेक्ट किए हैं, आर टेस्टेड इन द टारगेट इन्वायरमेंट, और उनको हम टेस्टेड करेंगे अपने टारगेटेड इन्वायरमेंट में फॉर देयर फिनोटिपिक स्क्रीनिंग एंड एग्रोनॉमिकल परफॉर्मेंस की, और उनको हम किस लिए करेंगे कि उनको फिनोटिपिक स्क्रीनिंग करेंगे और एग्रोनॉमिकल परफॉर्मेंस देखेंगे कि इनकी यील्ड क्या है और उनकी क्या हाइट है, जो वही एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर होते हैं उनके अगेंस्ट हम उनको देखेंगे। एंड वंस द कोरिलेशन ऑफ मॉलिकुलर मार्कर इज एस्टैब्लिश्ड विद मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स एंड मास सिलेक्शन कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक ट्रेड्स, और जो मार्कर एसिड सिलेक्शन जो होता है वो इफेक्टिवली यूज होता है फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक ट्रेड्स। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ मार्कर एसिड सिलेक्शन, एप्लीकेशन क्या हैं इसके मार्कर एसिड सिलेक्शन के, तो इट इज़ यूजफुल इन जीन पैरामीडिंग फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंट। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जीन पैरामीडिंग बना सकते हैं, इससे जीन पैरामीडिंग जो किसी भी एक वैरायटी में बहुत सारे जीन कई रोग और कई इंसेक्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं। यूज इन बैकक्रॉसिंग प्रोग्राम, इसको हम बैकक्रॉस में यूज कर सकते हैं, और इट इज़ बींग यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल स्टेरिलिटी टू कल्टिवेटेड जीनोटाइप फ्राम डिफरेंट सोर्सेज, हम बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से इससे हम क्या कर सकते हैं मेल स्टेरिलिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मार्कर एसिड सिलेक्शन इज बींग यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी करेक्टर्स, मार्कर एसिड सिलेक्शन द्वारा हम क्वालिटी करेक्टर भी इम्प्रूव कर सकते हैं इन डिफरेंट क्रॉप सच एज फॉर प्रोटीन क्वालिटी इन मेज, जैसे प्रोटीन क्वालिटी मेज में डेवलप की गई है वो मार्कर एसिड सिलेक्शन द्वारा डेवलप की गई है। इसके बाद आता है कन्वेंशनल बैक क्रॉस और मार्कर एसिड बैक क्रॉस, तो जब हम कन्वेंशनल बैक क्रॉस कराते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है कुछ डिजायरेबल करेक्टर के साथ अनडिजायरेबल करेक्टर्स भी चले जाते हैं, और मार्कर एसिड सिलेक्शन में हम जब बैक क्रॉस कराते हैं तो उससे क्या होता है जो हमारा आइडेंटिफाई जीन होता है उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है BC2 में, तो इससे डिजायरेबल जीन ही ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ मार्कर एसिड सिलेक्शन, एक्यूरेसी होती है इसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, और रैपिड मेथड होता है इससे, मतलब कम समय लगता है इसके सिलेक्शन करने में, और नॉन ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट, और जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या होता है ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट होते हैं, इसके द्वारा नॉन ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट होते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसेसिव एलील्स, इससे हम रिसेसिव एलील्स जो होते हैं मतलब आप प्रभावी जो एलील्स होते हैं उनसे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्रेड्स, और इससे क्या होता है कि हम अर्ली डिटेक्शन मतलब पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं ट्रेड्स को। स्क्रीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट ट्रेड, इसके द्वारा जो डिफ़िकल्ट ट्रेड्स होते हैं उनकी भी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं ना। हाईली रिप्रोड्यूसिबल, ये हाईली रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, और स्मॉल सैम्पल फॉर टेस्टिंग, और इसके लिए स्मॉल सैम्पलिंग चाहिए होती है फॉर टेस्टिंग के लिए। फिर आता है अचीवमेंट्स ऑफ मार्कर एसिड सिलेक्शन, राइस में जैसे PB1 और JRVV55 से ये कहाँ इम्प्रूव की गई, पूसा में जो वैरायटी है वो इम्प्रूव पूसा है और ये पूसा में डेवलप की गई। वैसे ही Basmati 1 है, इम्प्रूव्ड सवा मसूरी ये हैं, और मेज में मेज इम्प्रूव की गई है QPM 9 और पर्ल मिलेट है जो HHV 62 वीट जैसे पैटविन हो गया, तो QPM 9 हाई प्रोटीनियस मेज है। तो आज हमने पढ़ा कि मार्कर एसिड सिलेक्शन क्या होते हैं, और हमने DNA मार्कर भी कवर किया था जो पिछले टॉपिक में आपका था। तो आज का हमारा टॉपिक था मार्कर एसिड सिलेक्शन। तो आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज मार्कर एसिड सिलेक्शन, कि मार्कर एसिड सिलेक्शन क्या है, तो आप इसमें हमने सब कवर कर दिया इस टॉपिक में अपने, और पेपर में पूछ सकते हैं कि इसका प्रोसीजर बताओ, तो हमने कई सारे आपको डायग्राम भी दिखाए प्रोसीजर के, और स्टेप्स आ सकते हैं कि स्टेप्स व्हाट इज की स्टेप्स आप कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं मार्कर एसिड सिलेक्शन में, तो स्टेप्स हमारी 5 हो गई, वो भी हमने आपको इसमें कवर कर दिए हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन आता है आपका कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्कर्स, तो
क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, जैसे मार्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, तो जो तीन टाइप के थे। उसके बाद आता है कि पीसीआर और नॉन पीसीआर, वो मॉलिकुलर मार्कर का क्लासिफिकेशन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।